चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। एक बालक जिसकी बुद्धि अवधि 105 है। बालक है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है ना। उसे वर्गीकृत किया जाएगा, जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ये आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपका श्रेष्ठ बुद्धि, पहला ऑप्शन है आपका श्रेष्ठ बुद्धि, दूसरा है आपका सामान्य अधिक बुद्धि, तीसरा है आपका सामान्य बुद्धि और चौथा ऑप्शन है आपका मंद बुद्धि, सीमांत बुद्धि, सीमांत बुद्धि। बताइए ऑप्शन क्या होगा आपका। ऑप्शन ए कौन कौन है? ऑप्शन बी 105 है, श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होगा बालक, 105 बताइए, श्रेष्ठ बुद्धि नहीं हो सकता बालक के अंदर? अच्छा मान लीजिए दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, सामान्य अधिक बुद्धि। सोचिए, ऐसे मत बोलिए, सोच लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बालक की बुद्धि लब्धि क्या है? IQ क्या है? 105 है। उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? उसको अगर वर्गीकृत किया जाता है तो उसकी श्रेणी कौन सी होगी? श्रेष्ठ बुद्धि की, सामान्य अधिक बुद्धि की, सामान्य बुद्धि की, सीमांत बुद्धि की या मंद बुद्धि की? देखिए आपस में मत बात करिए। श्रेष्ठ बुद्धि में रखे जा सकता है बालक, सामान्य अधिक बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, सीमांत बुद्धि में, मंद बुद्धि में। बताइए क्या सामान्य अधिक बुद्धि में नहीं रखा जा सकता? बिल्कुल, आप लोगों को पहले ही पढ़ाए गए क्या सामान्य बुद्धि कितनी होती है? 110। इसके बीच में जितने भी वर्गीकृत आएंगे वो क्या होंगे? सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, है ना। अगर आपका श्रेष्ठ बुद्धि होता तो क्या होता? 110 प्लस, और कितना होता? 129। इस तरीके से आपका जाता श्रेष्ठ बुद्धि, है ना। सीमांत बुद्धि आपका बॉर्डर लाइन कितना होता है? मंद बुद्धि को आपका मान लीजिए आ गया 20 बिलो, और आपका ये क्या होता है 20-50। सामान्य बुद्धि, और इसके ऊपर श्रेष्ठ और उससे अधिक श्रेष्ठ और एक सृजनात्मक या प्रतिभाशाली। क्वेश्चन समझ में आया? ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। कैसा हो गया? डायरेक्ट। इसके बाद भी आपको याद नहीं है? आपको बस याद था। और बाकी लोग क्या कर रहे थे? अधिक बुद्धि बता रहे थे। दूसरा क्वेश्चन लिखिए।
हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। बुद्धि, भाषा, सृजनात्मकता, ये क्या है आपका? आपने अभी पढ़ा कि हार्वर्ड जो है गार्डनर ने क्या आपने कितनी बुद्धि बताई है? नौ बुद्धि में सबसे पहले उन्होंने किसको स्थान दिया है? गणितीय बुद्धि को दिया है। दूसरे पे क्या रखा है उसने? भाषाई बुद्धि। तो इसमें क्या हो गया? उनका जो बुद्धि का प्रकार है उसमें भाषाई बुद्धि आपका आ गया है ना। और फिर उन्होंने आपके लास्ट रिपोर्ट से आपका उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत आत्मबुद्धि भी पाई जाती है, ये भी बुद्धि का प्रकार है। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि भी बुद्धि का प्रकार है और स्थानीय बुद्धि को उन्होंने तीसरे नंबर पे स्थान दिया हुआ है। और आपके जो है ऑप्शन में यानी क्या है आपका गलत है। कहने का मतलब ये ऑप्शन सी आपका गलत है कि उनके द्वारा, किसके द्वारा? गार्डनर द्वारा ये बुद्धि का प्रकार नहीं बताया गया है। वैसे तो आप जानते हैं बुद्धि का काम क्या होता है? सृजन करना होता है ना। गार्डनर ने ये नहीं बताया कि बुद्धि का काम सृजन करना होता है। और बाकी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या बताया है कि बुद्धि क्या है? एक सृजनात्मक तथ्य है। अगला लिखिए, एक तेरह वर्षीय बालक बात बात में, देखिए आपके सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बालक बताएगा और बालक की आयु बताएगा है ना। बालक बताएगा या तो कक्षा बताएगा या तो आयु, आपको अपने हिसाब से क्या करना है? पता लगाना है या उसको समझ अपने में ये रखना है कि बालक पे ही क्या है, बालक बाल केंद्रित क्वेश्चन है। इसमें बताया कि 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करके स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। कोशिश करता है। लिखिए ऑप्शन। आपका पहला ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था। फिर क्या है आपका? किशोरावस्था। फिर पूर्व बाल्यावस्था। चौथा तो आपका युवावस्था। आपका पांचवा है प्रौढ़ावस्था। बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 13 साल का बालक है, बालक का एज क्या है? 13 ईयर है। और वो क्या करता है? झगड़ा करके अपने पेरेंट्स से क्या कहता है कि मैं सही हूँ। तो उसका जो है क्या होगा, उसकी आयु का क्या होगा, अवस्था क्या होगी? वो उत्तर बाल्यावस्था हो सकता है, किशोरावस्था भी हो सकता है ना, पूर्व बाल्यावस्था भी हो सकता है, युवावस्था भी हो सकता है और प्रौढ़ावस्था भी हो सकता है। क्यों?
हर एज के लोग नहीं कहते कि मैं सही हूँ। बिल्कुल, ये जो है आपका क्या दिया है, आपको बाउंड किया है। इसमें क्वेश्चन क्या बताया है कि बालक है और बालक की आयु क्या है, 13 वर्ष है। तो आपको किसको मतलब अपने सेंटर में रखना है, फोकस किस पे करना है, 13 वर्ष की आयु वाले बालक पे करनी है। और उसकी विशेषता क्या क्या होती है उस पर आपको नज़र डालना है। फिर आप देखेंगे कि वो अवस्था, वो विशेषता किस अवस्था से मैच करती है ना। तो ये जो आपको सही साबित करने की अवस्था अपने आप को, वो कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था है ना। आपको ऑप्शन क्या सही होगा, सेकंड वाला होगा। आपने देखा है ना, कई लोगों ने क्या किया, कितने ने उसको 13 से 21 बताया है, कितने उसे 13 से 18 बताया है, 12 से 18 बताया है, 13 से 20 बताया है। ये सारी चीजें क्या है, किशोरावस्था का कैटेगराइज है, कैटेगरीज है। अगला क्वेश्चन लिखिए, गार्डनर ने, किसने, गार्डनर ने 7 बुद्धि का, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। अधिमान निर्धारित किया है, अधिमान, अधिमान निर्धारित किया है। इनमें से कौन सी नहीं है, है ना। ऑप्शन आपके हैं, इनमें से कौन सी नहीं, ये जान लीजिए। बुद्धि से अगर क्वेश्चन पूछता है तो गार्डनर आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उनकी थ्योरी क्या है, बुद्धि को और अधिक स्पष्टता से क्या करती है, बताती है या प्रकाशित करती है। आपको बताया गया ना, जो आपकी 9 प्रकार की बुद्धि है वो क्या है, वो आपके हर फील्ड में काम आती है। और वो क्या, किसके लिए यूज किए जाते हैं, समस्या समाधान के लिए। किसके लिए, समस्या समाधान के लिए। लिखिए, पहला है स्थान संबंधी बुद्धि, दूसरा है आपका भावनात्मक बुद्धि, आपका तीसरा है अंतर वैयक्तिक बुद्धि, चौथा है आपका भाषात्मक बुद्धि, और पांचवा है आपका क्या है आपका। अगर आपको बुद्धि के 9 प्रकार याद है, किसके द्वारा, गार्डनर द्वारा बताया गया है। उन्होंने क्या बताया कि बुद्धि 9 प्रकार की होती है। प्रथम बार में उन्होंने कितने प्रकार का बताया, उन्होंने बताया कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है। फिर उन्होंने उसको शोध किया और पाया कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। लेकिन फाइनली उन्होंने 2000 में बताया कि बुद्धि क्या, 9 प्रकार की होती है। और 9 प्रकार में उन्होंने तीसरा स्थान, स्थान संबंधी बुद्धि को दिया हुआ है। अंतर वैयक्तिक बुद्धि जो है आपका 6वें स्थान पे है, भाषात्मक बुद्धि आपके 3रे स्थान पे, और संगीत भी आपके 4थे स्थान पे है। और आपका जो ऑप्शन गलत है वो क्या है, भावनात्मक बुद्धि। ये उसके बाद उन्होंने कहीं नहीं, सबसे पहले यही बताया गया था बुद्धि क्या है, वो भावना से अलग है। क्या है बुद्धि, भावना से अलग है। किसी भी मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को भावना से नहीं जोड़ा है। बुद्धि क्या है, भावना से बिल्कुल अलग है। बात समझ में आ रही है। अगर किसी का भी बुद्धि सिद्धांत पूछता है और उसमें भावना शब्द जोड़ता है तो आप जान जाइएगा कि ये टर्म क्या है, सबसे डिफरेंट है। बुद्धि जो है भावना से परे है। अब देखिए बुद्धि के अगला क्वेश्चन लिखिए, बुद्धि के संबंध में, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है, सही कथन क्या है। पहला लिखिए,
समायोजन की योग्यता, दूसरा है आपका सीखने की क्षमता, तीसरा है आपका संक्षिप्त तार्किकता, आपका है समस्या समाधान, क्या है आपका? सबसे पहला ऑप्शन आपका है समायोजन की योग्यता। बुद्धि क्या करती है? आपको समायोजन सिखाती है। दूसरा क्या है? सीखने की क्षमता, ठीक है, बुद्धि की ही विशेषता है। क्या करता है आपको? किसी भी चीज को सीखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बुद्धि का। बुद्धि क्या करती है? अधिगम को धारण करती है। तीसरा है आपका संक्षिप्त तार्किकता। तर्क भी क्या है? तार्किकता की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वो किसके द्वारा है? परिभाषित बुद्धि द्वारा है। और समस्या समाधान, जो समस्या समाधान की योग्यता है, वो भी किसके द्वारा की जाती है? बुद्धि द्वारा, है ना। जिनके पास बुद्धि होगी वही क्या करेंगे? समस्या से निजात पा सकेंगे। तो ये क्या है आपका उपयोग? सभी जो है आपके ऑप्शन क्या है? सही की, सही कथन। बुद्धि के ये उपयुक्त कथन है या सही कथन है। एक चीज आप लोग देखिएगा, आपने सुना नहीं होगा लेकिन करने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए जो आपके क्वेश्चन आते हैं सीटेट में वो आपके 100% सिलेबस से मैच नहीं होते। देखिए संक्षिप्त रूप PSRN, संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है, हाँ PSRN जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपका समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, दूसरा है आपका समस्या हल, समस्या हल संबंध, संबंध और आंकिक क्षमता, तीसरा है आपका बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता तार्किकता और आंकिक क्षमता। चौथा ऑप्शन है आपका बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता तार्किकता और अंत ज्ञान। पांचवा है आपका अंत ज्ञान, समस्या है और तार्किकता।
अंग्रेजी में देख लीजिए आप लोग, जब कभी ऐसा आपका जब भी ये टर्म पूछे तो आपको क्या करना चाहिए, इंग्लिश वाला भी आपको देख लेना चाहिए। क्या है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, और न्यूमेरेसी। ये किसका है, फर्स्ट का है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, न्यूमेरेसी, और इसका भी क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशन और न्यूमेरेसी। और इसका आपका है परसेप्चुअल स्किल, परसेप्चुअल स्किल, बौद्धिक क्षमता, तार्किकता, रीजनिंग, आंकिक क्षमता, न्यूमेरेसी। और चौथा आपका है परसेप्चुअल, परसेप्चुअल स्किल, रिलेशन, रीजनिंग और आपका न्यूमेरेसी। आपका क्या है न्यूमेरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका पहला ऑप्शन है समस्या हल, तार्किकता और आंकिक क्षमता। कहने का मतलब आपका ये जो है क्या है शॉर्ट फॉर्म है, इसका हमें क्या करना है फुल फॉर्म लिखना है। और ये किससे संबंधित है, विकास से। विकास से कहने का मतलब बुद्धि से ये आपका संबंधित है ना, किससे संबंधित है बुद्धि से। तो इसमें क्या होता है आपके, आप ये सोच के बताइए कि बुद्धि का जो एग्जैक्ट जो है फुल फॉर्म यहाँ पे क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, क्या होगा समस्या हल या प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और न्यूमेरेसी, ये आपका क्या होगा फुल फॉर्म होगा। और इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन दिया समस्या हल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशन संबंध आपको यहाँ नहीं बताने हैं। यहाँ क्या करना है आपको, बताया गया है जो भावना होती है क्या होता है, भावना जो होती है वो क्या होती है बुद्धि से परे होती है, संबंध के साथ क्या आता है भावना आती है ना। आपने बुद्धि में कितने लोगों का प्रकार पढ़ा है ना, जितनी भी आपने लर्निंग थ्योरी ये इंटेलेक्चुअल थ्योरी पढ़ी है उसमें कहीं पढ़ा है आपने संबंध, बताइए पढ़ा है आप लोग भूल रहे हैं। हाँ गिलफर्ड की थ्योरी याद कीजिए, जेपी गिलफर्ड, क्या है प्रॉब्लम ये यहाँ पे जो है आपको क्या करना है माइंड से जो रिलेशन जो संबंध किससे इसकी बात की गई है, भावनाओं से। वहाँ जो संबंधित है वो क्या है एक दूसरे से संबंध है, यहाँ पे जो संबंध है वो क्या है भावना से है। और यहाँ क्या समस्या हल, आंकिक क्षमता, ये दोनों एक बात हो गई और संबंध क्या हो गया सबसे अलग हो गया। और इसमें भी क्या बौद्धिक क्षमता, आपने जो है तीसरे आयाम में पढ़ा नहीं था आपका, उत्पाद में आपने संबंध पढ़ा था और थंडाइक में भी संबंध बताया गया है। और वो क्या संबंध है, बुद्धि एक दूसरे से क्या होती संबंधित होती है, लेकिन क्या होता है भावना। थंडाइक ने स्वयं बताया है कि बुद्धि क्या है भावना से बिल्कुल अलग है। उन्होंने संबंधवाद तो उनकी थ्योरी को उनकी जो है इंटेलेक्चुअल थ्योरी को कहा ही जाता है, लेकिन उन्होंने ही बताया है कि बुद्धि क्या है भावना से परे है, वो बुद्धि भावना से अलग है। बात मुझे आपका PSRN का फुल फॉर्म होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। समझ में आया नहीं आपका, ये नहीं होगा सेकंड वाला,
समस्या हल संबंध या आंकिक क्षमता ये बिल्कुल नहीं है आपका। बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, इसमें आपका एक क्या छूट रहा है, परसेप्चुअल स्किल, ये आपका अलग चीज है। क्या बौद्धिक क्षमता जो है ये जो है इसके द्वारा क्या होता है, फुल फॉर्म पहले से क्या होता है, प्रेस्क्राइब्ड होता है या प्रिसाइज होता है, पहले से निश्चित होता है। ये नहीं कि कोई भी हो सकता है, वो क्या होता है पहले से फिक्स किया जाता है। जैसे NCERT जो इसका फुल फॉर्म है वो पहले से ही, जब ये इसका निर्माण हुआ तभी इसको बताया गया कि ये संक्षिप्त फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए बताइए जल्दी से। हाँ सही बताया आपने, क्या है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है एग्जैक्टली क्या होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, लिख लीजिए। अच्छा हो गया, अगला क्वेश्चन लिखिए। एक अच्छा अध्यापक, क्या बात आ रही है, एक अच्छा अध्यापक यानी का मतलब आप अपने आप को रखेंगे। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। पहला आपका ऑप्शन है प्रतियोगिता का प्रतियोगिता, दूसरा आपका ऑप्शन है सहयोग, सहयोग, तीसरा आपका ऑप्शन है प्रतिद्वंदता, द्वंदता, चौथा आपका ऑप्शन है अनुशासन, पांचवा आपका है नैतिकता। बताइए एक अच्छा अध्यापक जो है क्लास में प्रतियोगिता की भावना नहीं जगाता, और सहयोग की भावना नहीं जगाता, प्रतिद्वंदता की भावना नहीं जगाता, अनुशासन, नैतिकता, ये क्या है सबसे एप्रोप्रिएट। आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं सीटेट में कि आपके जो है पांचों के पांचों आंसर लगेंगे कि वो भी क्या है अप्रोप्रिएट है, आपको क्या करना है चूज करना है। और क्या बता दें क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करिए। विद्यार्थियों के बीच किस भावना को जागृत करेगा, हाँ बिल्कुल, उसमें ये नहीं करना है, उसमें पहले से आपके आंसर में क्या दिया है कि विद्यार्थियों के बीच, अगर आप क्वेश्चन जो है क्या दिया है विद्यार्थियों के मध्य किसकी भावना वो जागृत करेगा, सहयोग की भावना, क्या करेगा एक दूसरे के अंदर क्या डालेगा, सहयोग की भावना का विकास करेगा। एक अध्याय अच्छा अध्यापक है ना, बस समझ में आया,
नैतिकता तो अध्यापक डालता ही, अनुशासन भी सिखाता है, प्रतियोगिता की भावना भी कैसे लाता है, बच्चे में क्या करता है, कंपटीशन करवाता है, जो बढ़िया होता है उसको गिफ्ट प्रोवाइड करता है, प्रशंसा करता है, मॉनिटर बनाता है, डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटीज़ करके क्या करता है, बालक के उत्साह को और अधिक बढ़ाता है। लेकिन प्रतियोगिता ये जो है क्या होता है बालकों में जो है, बिल्कुल इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन है कि पहले से बाउंडेड है, यही है कि आप लोग सीटेट में क्वेश्चन जल्दी से पढ़ दिए और जो सब जो जिस पे जोर देना है, जो आपका शब्द पे जिस पे ध्यान देना है उसे क्या करते हैं ऐसे पढ़ के चले। मध्य, मध्य का मतलब आपने समझ गया अपने और विद्यार्थियों के मध्य ना, और मध्य किसकी बात हो रही है, दो विद्यार्थियों या तीन विद्यार्थियों की मध्य की बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा, सहयोग की भावना का विकास, नहीं प्रतिद्वंदी मतलब कि एक दूसरे से दुश्मनी या एक दूसरे का क्या करना, अवहेलना करना। बात समझ में आया, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। लिखिए शिवानी द्वारा, जैसे क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर, शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, पहला क्या लिखा है, आप लोग प्रश्न पढ़ते रहिए, ऑप्शन बाद में देखिएगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि शिवानी अपने टीचर से एक प्रश्न पूछती है। बहुत सारे आप देखे होंगे कि क्लास में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप पढ़ा रहे हैं, बालक क्या करता है आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। मान लीजिए ज़्यादातर तो टीचर क्या करते हैं, तुरंत आपका समस्या का समाधान कर देते हैं, तुरंत आपको बता देते हैं कि ये क्या आप पूछ रहे हैं, आपको सेटिस्फाई करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस समय ध्यान में नहीं होता या फिर कुछ भी कोई अन्य कारण नहीं जानकारी होती तो वो क्या कहते हैं कि कल बताएंगे या परसों बताएंगे या फिर जो भी करते हैं, तो कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए उसके बारे में ये आपके ऑप्शन दिए गए। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना, आप पढ़ा रहे हैं और शिवानी बार बार क्वेश्चन कर रही है तो आप नहीं कहेंगे चुप रहिए, नहीं कहेंगे उचित नहीं है। और शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना, आप अपना टॉपिक फिर पढ़ाने लग रहे हैं, ये उचित नहीं है।
कि टॉपिक छोड़ के आप क्या करें उससे बहस कर ले, ये उचित है। और फिर क्या कहना, अभी बताता हूँ, दो मिनट के लिए चुप हो जाओ, अभी पढ़ा लेता हूँ। या फिर अन्य लड़कों के समक्ष उस प्रश्न को रखा जाए कि जो प्रश्न उसने पूछा है क्लास में, क्या रखा जाए, सबके सामने प्रस्तुत किया जाए, और फिर बाद में स्वयं समझकर उत्तर देना। बताइए कौन सा सही होगा, पहला बताइए, किसी के द्वारा पहला सही है? नहीं। दूसरा? तीसरा? नहीं। ये सोचिए आपके क्या होते हैं, लगभग दो क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते, दो आंसर जो एकदम सेम होते हैं। मान लीजिए दो तो आपके नहीं मैच कर रहे हैं, वो तो ठीक है, दो आपके सीटेट में क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो आपके लगभग दोनों क्या होते हैं, एकदम अप्रोप्रिएट लगते हैं। पढ़ लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन, आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है आपको? उत्तर एनालिसिस करना है, उत्तर विश्लेषण के द्वारा आपको क्या करना है, प्रश्न हल करना है। शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होगी, है ना? क्या शिवानी को चुप करा देगा, या तो फिर शिवानी का ध्यान बटा देगा, या कहेगा अभी बताता हूँ, फिर अन्य लड़कों के समक्ष वो प्रश्न रखता है और बाद में स्वयं समझकर उत्तर देता है। कौन सा सही होगा, पीछे आप बताइए। तीसरा? आप? पांचवा? आप? इधर देखिए, आपका सही उत्तर यही होगा, बाद में स्वयं समझकर उत्तर देना, क्योंकि अगर टीचर को आ रहा होता है तो वो तुरंत क्या देता है, उत्तर बता देता है, चुप रहो, शांत रहो, बता, अभी बताता हूँ, ये सारे वो इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, वो क्या करेगा, तुरंत बच्चे को सेटिस्फाई करेगा, है ना? कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है, बता रहा है, अगर बच्चे ने प्रश्न कर लिया तो टीचर क्या करता है, उसकी समस्या का तुरंत समाधान करता है। अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या करता है, बाद में उचित को समझ के उसको बताता है, है ना? यही आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हुआ, क्या, बाद में स्वयं समझ कर बताता है। एक क्वेश्चन और लीजिए, देखिए मानसिक रूप से, देखिए क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है, ये क्वेश्चन आपके पेडागॉजी से पूछे जाते हैं, किससे, पेडागॉजी से। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है, पहला संविदात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपनी विषयता, अपनी विषयता गहन ज्ञान है, गहन ज्ञान है। दूसरा है आपका वह अत्यधिक क्या है आपका पहला ऑप्शन है, मतलब क्या है ये पूछा, क्या गया है, मानसिक रूप से स्वस्थ टीचर की क्या विशेषता है। सबसे पहले आपको आता है वो संवेगात्मक रूप से
संतुलित है। दूसरा आपका आता है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? गहन ज्ञान है। तीसरा है वह अत्यधिक संवेदनशील है। संवेदनशील क्या होता है? दूसरे की संवेदना असंवेदनाओं को बहुत जल्दी क्या करना, समझना और अपनी जल्दी से प्रतिक्रिया देना। चौथा है वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। कैसा अनुशासन पसंद करता है? सख्त। और पांचवा है वह कक्षा में शांति बनाए रखता है। बताइए पहला ऑप्शन सही है, दूसरा दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, चौथा और पांचवा? मतलब ये आपके सारे ऑप्शंस तीसरा चौथा पांचवा, इन दो में क्या है? कंफ्यूजन है कि वो संवेगात्मक रूप से संतुलित है, दूसरा उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। तो क्या होना चाहिए आपका उत्तर? क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए। क्या पूछा इसमें? मानसिक रूप से स्वस्थ है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसका प्रयोग किया गया है? मानसिक रूप से स्वस्थ है। कहने का मतलब मानसिकता में क्या आता आपका? आपके संवेग आते हैं कि वो क्या होते हैं? संतुलित होते हैं। जब आपके संवेग संतुलित होंगे तभी वो क्या होगा? मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। अगर आपके क्या होंगे संवेग जो है तुरंत क्या कर रहे हैं, उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, कहने का मतलब अस्थिर हैं, कभी क्या कर रहे हैं चलन कर रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं स्थिर हो जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा भावुक हो जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे हैं। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये टीचर के लिए निषेध है कि आपको बहुत अधिक क्रोध नहीं करना है या बहुत अधिक आप भावुक नहीं होंगे। इसमें क्या करना है? अपना संतुलन बनाना है। कौन सा संतुलन? संवेगात्मक। अपने संवेग को क्या करना है? कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। यही क्या होता है? एक मानसिक रूप से स्वस्थ टीचर की विशेषता होती है। ठीक है, अगर सामाजिक रूप से होता तो क्या होता है? वो कक्षा में शांति बनाए रखता है ना। समाज में क्या होता है? अनुशासन आप समाज में नहीं बना सकते है ना, अत्यधिक संवेदनशील नहीं हो सकते, शांति प्रिय आप होंगे। और क्या होगा? उसे अपने विषय का, यहाँ विषय की बात ही नहीं आएगी, समाज की बात होगी। संवेगात्मक रूप से संतुलित, ये भी आपका आंसर कहीं हद तक सही है, क्योंकि आपको अपने आप को जो है समाज में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने संवेगों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, इतना जो है ये इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि शांति बनाए रखना। क्या होता है, बात समझ में आई? आपके सारे टीचर कहाँ चले गए? लिखिए परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है। पहला है आपका विकास, दूसरा है आपका क्या बोली परिपक्वता, मैच्योरिटी, परिपक्वता का संबंध है। पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है आपका सृजन, चौथा है आपका रुचि और पांचवा है आपका संवेग। संवेग स्थिरता क्या है? परिपक्वता का संबंध है आपका विकास, बुद्धि, सृजन, रुचि, संवेग, स्थिरता। क्या होगा उत्तर? परिपक्वता आप कहाँ पढ़े थे? स्कूल
देखिए मैच्योरिटी आपकी क्या होती है, फिजिकल और मेंटल दोनों होती है। क्या होती है? फिजिकल मेंटल दोनों मिला के क्या होता है आपका विकास? क्या है? परिवर्तनों की एक श्रृंखला है और उसमें आपका मैच्योरिटी आ जाएगा। मैच्योरिटी का संबंध किससे है? विकास से हो। विकास क्या होता है? परिपक्वता। आप कहाँ कहाँ से परिपक्व होते हैं? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से, हर प्रकार से आप क्या होते हैं? मानसिक रूप से हर प्रकार से आप क्या कहते हैं? परिपक्व होते हैं। और वो जो हर क्षेत्र में जो परिपक्वता आती है वो किससे संबंधित होती है? विकास से। न कि बुद्धि से, न कि सीजन से। क्या हो गया? बुद्धि भी क्या हो गया? एक ही फैक्टर हुआ है ना, एक ही तत्व तो हुआ कि आप क्या है बौद्धिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं। सृजन क्या हो रहा है? तो आपके अंदर सृजनात्मकता आ रही है। क्या रुचिपूर्ण आप क्या हो रहे हो? परिपक्व हो रहे हैं। संवेगों में आप क्या परिपक्व हो रहा है? और विकास के अंतर्गत सभी प्रकार के विकास आपके सम्मिलित हो जाते हैं और परिपक्वता हर विषय हर क्षेत्र में आती है ना। इसलिए आपको ऑप्शन क्या होगा? विकास। परिपक्वता का संबंध विकास से है। और विकास क्या होता है? क्या होता है? संपूर्ण होता है, क्रमिक श्रृंखला होती है। किसके? परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला होती है। एक क्रम में क्या होता है? विकास होता है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन की विकास में बुद्धि से तात्पर्य है। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। पहले है ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि। दूसरा है संवेग में वृद्धि। तीसरा है वजन में वृद्धि। वजन में वृद्धि। चौथा है आकार और समझ में वृद्धि। पांचवा है आकार और समझ में वृद्धि। और पांचवा है आपका रुचियों में वृद्धि। क्या है आपका? विकास से, विकास में वृद्धि का अभिप्राय किससे है? ज्ञान में वृद्धि, या संवेग में वृद्धि, या वजन में वृद्धि, या आकार समझ में वृद्धि, या रुचियों में वृद्धि? पहले तो देखिए ज्ञान में वृद्धि कौन कौन है। प्रश्न विकास में वृद्धि, विकास में वृद्धि, विकास में वृद्धि, आकार और समझ में मतलब बुद्धि। एक मिनट, वृद्धि वृद्धि, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है क्या? ज्ञान में वृद्धि कौन कौन है ऑप्शन में? संवेग में वृद्धि नहीं, वजन में वृद्धि, आकार में वृद्धि, आकार समझ में वृद्धि, रुचियों में वृद्धि। विकास का जो वृद्धि है वो किससे है? आकार यानी शरीर और समझ मतलब मानसिक। क्या हो गया आपका? शारीरिक और मानसिक, यही आपके दो ही प्रकार के विकास होते हैं।
बाल विकास में आप क्या पढ़ रहे हैं? शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, और मानसिक में ही आपका संवेगी का आ जाता है ना। ये क्या याद रखो, वृद्धि किसमें आ जाएगा? समझ के अंतर्गत आ जाएगा। संवेग किसमें आ जाएगा? समझ के अंतर्गत आ जाएगा। वजन आकार में आ जाएगा। रुचियां किसमें आ जाएगी? समझ के अंतर्गत आ जाएगी। तो आपका एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? आकार और समझ में वृद्धि। विकास क्या होता है? चौमुखी होता है ना। सर्वांगीण विकास की बात करते हैं किसके अंदर? बालक के अंदर। क्या करते हैं? उसका चारित्रिक विकास करवाते हैं, नैतिक, सामाजिक, संवेगी, मानसिक, शारीरिक और क्या सांस्कृतिक, हर प्रकार का विकास जो उसके अंदर कराया जाता है वो किसके द्वारा कराया जाता है? शिक्षक और समाज के द्वारा। और जैसे जैसे वो परिपक्व होता है, जैसे जैसे वो विकसित होता है, ये सारे गुण अपने आप वो आ जाते हैं। कहाँ से आ जानते हैं? दो ही फैक्टर क्या करते हैं बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से? आनुवांशिक और वातावरण। बिल्कुल, आनुवांशिक और वातावरण दो ही चीज जो है फैक्टर सबसे ज्यादा इसको प्रभावित करते हैं। बात समझ में आया? बस आज के लिए इतना ही।